देखो ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन बहुत परेशान करता है तुम लोगों को परीक्षा में। इंटीजर कैलकुलेशन मैथ ट्रिक्स 60 - 7/13, अगर इसको बाय प्रोसेस बनाएंगे तब तो बन ही जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। इसको एक सेकंड में बनाया जा सकता है, कैसे? इसको देखो, ये जो 60 है ना, इसमें हमेशा एक अंक कम कर देना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 है तो कितना हो गया, 59। और इन दोनों का जो अंतर होगा, वो बस ऊपर में लिख देना, और यहाँ 13 है ही, 13 यहाँ लिख देना, और 7 और 13 के बीच में अंतर कितने का है, 6 का। तो 59 6/3 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो यहाँ ध्यान से देखो, फिर से एक बार इसको समझा रहे हैं, फिर से ध्यान से देखो। यहां पर क्या करना, ये जो अंक रहेगा इसको एक कम कर देना, तो हमेशा कितना हो जाएगा, 59 13। नीचे वाला अंक जो रहेगा उसको हमेशा ऐसे ही रहने देना, और 7 और 13 के बीच का जो अंतर है 6 का, उसको यहां पर लिख देना, बस यही हो गया, दैट इज आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो जल्दी से फटाफट। चलो यहां ध्यान दो, 79 - 4/11। क्लियर? ये क्वेश्चन है 79 - 4/11। क्या करेंगे जल्दी से आंसर बताओ, इसको क्या करेंगे, 79 है, एक कम कर देंगे, हो गया 78। क्लियर? 11 है, 11 यहां लिख दिए, और इन दोनों का अंतर 4 से 11 कितना है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो देखो, 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दो यहां, 7 हो गया तुम्हारा आंसर, 78 7/11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखो, 60 - 44 5/12। अब देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, यहां पर पूर्णांक में भी कुछ यहां पर हो, तब क्या करोगे, तब यहां ध्यान से समझो, इसमें क्या करना कि एक अंक जोड़ देना, तो प्लस वन करोगे तो 44, और ये कितना हो जाएगा, 45। और ये वाला जो अंक रहेगा ना, इस अंक से इसको घटा देना, माइनस कर देना। क्लियर? तो 60 में से 45 घटाओगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। 60 में से 45 घटाओगे तो 15 आ गया, लिख देना ऊपर यहां पर, नीचे यहां 12 है, और ये 5 और 12 का जो अंतर होगा वो यहां पर पुट कर देना, तो 5 और 12 का अंतर कितना होगा, तो 5, देखो जिसको एकदम समझ में नहीं आ रहा है, 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर बैठा देना, यही तुम्हारा हो गया आंसर। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या अन्य प्रतियोगिता कोई भी परीक्षा हो, मैथ्स का इस तरह का सवाल तुम लोग जरूर देखे होगे। तो चलो देखो, ये सुपर ट्रिक्स है, बहुत ही बेहतरीन। और अब चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तुम लोग जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ, जल्दी से सॉल्व करो इसको। क्या करोगे, 74 है यहां, 74 में क्या करोगे, एक ऐड कर देना है, प्लस वन कर देंगे तो यहां हो गया 75। अब इस 80 में से इस 75 को घटा दो, माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद यहां 13 है, और 9 से 13 इन दोनों का अंतर कितना है, तो 9 10 11 12 13, बात मत करो ना, 9 10 11 12 13, यानी 4 का अंतर है, तो 5 4/13 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट इसको सॉल्व करके दिखाओ, क्या करोगे, 59 है, तो इसको क्या करोगे, 60 कर दोगे, 75 से इसको घटा लोगे, माइनस कर लोगे, तो 60 से 75 में से 60 घटाओगे तो 15, और 7 और 11 में कितना अंतर है, 11 नीचे लिख दिए, और 7 और 11 में कितना अंतर है, तो 8 9 10 11 4 का हो गया आंसर। अगर बढ़िया से ये सारा समझ गए हो तो अब चलो इसको एक सॉल्व करके जल्दी से बताओ, और आंसर में जल्दी से कमेंट करना, ये ऑनलाइन वालों के लिए है, जल्दी से आंसर में कमेंट करना इसका सही आंसर क्या आएगा।